Welcome viewers to this video in which we will see the topic changes in supply. Now in a separate video we had seen determinants of supply or factors affecting supply, and according to that topic we had seen that factors affecting supply or determinants of supply are broadly categorized into two groups. A is called price factor and B category is called other factors than price. Exactly on the basis of these two set of factors, changes in supply are also divided into two groups or two types. First is called expansion and contraction of supply, and second is called increase and decrease in supply. Right? Now, to cover the topic, we will see that this difference between the expansion, contraction and increase, decrease in supply, so that we will cover all topics or points related to expansion, contraction and increase, decrease in supply. So let's begin with the meaning. Point number one, meaning of expansion and contraction of supply. So, as I said a while ago, that first important factor affecting supply is price. Right? So when supply changes due to supply of any commodity or item or good changes due to change in price of that particular commodity or service is called expansion and contraction of supply. Hindi mein kahe to, jab कोई भी कमोडिटी या वस्तु के सप्लाई में जो चेंज आता है, वो चेंज वो कमोडिटी की प्राइस में आने वाले चेंज की वजह से जब कमोडिटी की सप्लाई में चेंज आता है, तो वो सप्लाई वो चेंज को इकोनॉमिस्ट नाम देते हैं एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सप्लाई. बराबर. तो पॉइंट नंबर वन. अब सामने एज अगेंस्ट दिस इंक्रीज डिक्रीज इन सप्लाई की बात करें मीनिंग की, तो वेन change in supply come about due to changes in other factors than price, then it is labeled as, it is named as increase or decrease, as the case may be, in supply. Clear? Hindi mein kahe to, jab koi bhi commodity ki supply mein price ke alawa ke factors mein change aane ki wajah se jab change aata hai supply mein, to us change ko हम नाम देते हैं इंक्रीज डिक्रीज इन सप्लाई का. बराबर. दैट इज पॉइंट ऑफ डिफरेंस नंबर वन. नॉट ओनली डिफरेंस, लेकिन अगर आपको हम एक मार्क में ऐसा क्वेश्चन पूछें कि व्हाट इज एक्सपांशन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सप्लाई, तो सेम पॉइंट वहां आंसर बनेगा. व्हाट इज इंक्रीज डिक्रीज इन सप्लाई, अगेन सेम पॉइंट विल बी द आंसर. आगे चले नंबर टू, कॉज और रीजन. एक्चुअली इसका रेफरेंस मीनिंग में आया है, लेकिन यहां सेंटेंस स्ट्रक्चर बदल जाएगा. सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम ये कहेंगे द कॉज और रीजन ऑफ एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सप्लाई इन सप्लाई इज चेंज इन प्राइस. सामने एज अगेंस्ट दिस कहेंगे, अपोजिट टू दिस यू कहेंगे कि द कॉज और रीजन ऑफ इंक्रीज डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी इज फैक्टर्स अदर देन प्राइस. राइट. यानी हिंदी में एक्सपांशन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सप्लाई, जो कोई भी कॉमोडिटी के सप्लाई में जो चेंज आता है उसकी वजह जो है प्राइस में चेंज होता है, जबकि इंक्रीज डिक्रीज कोई भी कॉमोडिटी की सप्लाई में जब होता है तो उसकी वजह अदर देन प्राइस होती है. नाउ अदर देन प्राइस यानी क्या, तो अदर देन प्राइस यानी चेंज इन टेक्नोलॉजी. फैक्टर्स एफेक्टिंग सप्लाई अदर देन प्राइस इंक्लूड, सेपरेट वीडियो में हमने देखा था, चेंज इन लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, चेंज इन लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी एंड टैक्सेशन स्ट्रक्चर, सच एंड अदर फैक्टर्स जब बदलने की वजह से सप्लाई में चेंज आए तो उसको इंक्रीज डिक्रीज नाम बोलते हैं, और उसकी वजह अदर फैक्टर्स होते हैं, प्राइस नहीं होती. नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करो. तो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एक्सपांशन कॉन्ट्रेक्शन का और इंक्रीज डिक्रीज का टोटली डिफरेंट हो जाएगा. राइट. तो ये अगर हम आपको एग्जाम में ऐसा पूछें कि एक्सप्लेन एक्सपांशन कॉन्ट्रेक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो बातें यही लिखनी है, कंपैरिजन
डिफरेंस नहीं लिखना है, खाली आपको पहले शुरुआत करनी है व्हाट इज चेंज इन सप्लाई से एक्सपांशन कॉन्ट्रेक्शन का मीनिंग बताना है, उसका कॉज बताना है, डायग्राम ड्रॉ करना है और डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। एक बढ़िया 2-3 मार्क कंटेंट का एक आंसर डेवलप होता है, राइट। तो वाई एक्सिस पर एक्सपांशन कॉन्ट्रेक्शन एक्सप्लेन करने के लिए हमने वाई एक्सिस पर प्राइस डिपिक्ट की है, यू कैन सी हियर इन रुपीज, राइट, 10 रुपीज, 20, 30, 40, 50 लाइक दैट। एंड ऑन एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, we have taken supply of commodity in units, 100, 200, 300, 400, 500, 600 units of supply in quantity, ठीक है। चलो अब important, now when price of a commodity is 30 rupees, here in this diagram you can see that the intersection point between price rupees 30 and supply 400 units intersect one another at point A. This is point A. Right. Now, when price goes up, 30 to 40 rupees price होती है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो supply है, वो भी 400 to 600 की quantity पर expand होता है। यानि price increase, supply increase, वो इंक्रीज को हम इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में एक्सपांशन नाम देते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर मूवमेंट हुई, प्राइस वेंट टू 40, सप्लाई वेंट टू 600 यूनिट्स इन क्वांटिटी, तो इंटरसेक्शन पॉइंट इज बी। ये पॉइंट ए टू पॉइंट बी पर सेम सप्लाई के ऊपर मूवमेंट हो रही है, कर्व शिफ्ट नहीं हो रहा है, पूरा सेम के ऊपर ए पॉइंट टू बी पॉइंट की ओर मूवमेंट हो रही है, ये एक्सपांशन हुआ, राइट हैंड साइड मूवमेंट हुई, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट हुई का ऊपर, इसको एक्सपांशन नाम देते हैं। एज अगेंस्ट दिस, मान लो प्राइस 30 रुपीज से 20 रुपीज पर पहुंचती है, तो व्हेन प्राइस गोज डाउन, लॉ ऑफ सप्लाई सेज सप्लाई विल कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई विल रिड्यूस, तो सप्लाई 400 यूनिट से आप देख रहे हैं 200 यूनिट पर शिफ्ट हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है। तो अब इंटरसेक्शन पॉइंट देखो, 20 रुपीज और 200, इंटरसेक्शन पॉइंट इज सी, तो ये ए पॉइंट से सी पॉइंट की ओर जो मूवमेंट हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड जो मूवमेंट हो रही है स्लोप पर, ये कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सप्लाई नाम है उसका, दैट इज लेबल्ड एज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सप्लाई। यानी नटशेल में कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि एक्सपांशन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सप्लाई में सेम के ऊपर आइदर लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड मूवमेंट होती है, राइटवर्ड मूवमेंट एक्सपांशन के केस में होती है, लेफ्टवर्ड मूवमेंट लेफ्ट डाउनवर्ड मूवमेंट सेम के ऊपर कॉन्ट्रेक्शन में होती है, राइट अपवर्ड मूवमेंट राइट हैंड साइड अपवर्ड मूवमेंट एक्सपांशन के केस में होती है। आगे चले, सामने आप देख सकते हैं इंक्रीज डिक्रीज इन सप्लाई की अगर बात करो डायग्रामेटिकली, तो वाई एक्सिस पर एज यूजुअल हमने प्राइस डिपिक्ट की रुपीज में, एक्स एक्सिस पर हमने सप्लाई डिपिक्ट किया, राइट। तो अब आप देखें प्राइस रिमेन कॉन्स्टेंट, प्राइस डज नॉट चेंज, 40 रुपए की प्राइस 40 रुपीज पर स्टिक टू है, अटकी हुई है, प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। यहां प्राइस की वजह से फ्लक्चुएशन आते हैं, नाम दिया एक्सपांशन कॉन्ट्रेक्शन, यहां प्राइस स्टैटिक है, प्राइस फिक्स्ड है 40 रुपीज, इट नाइदर गोज अप नॉर गोज डाउन, तो फिर भी सप्लाई में चेंज आ रहा है। फिर भी सप्लाई में क्यों चेंज आएंगे, क्योंकि फैक्टर्स अदर देन प्राइस बदलेंगे, जैसे लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी बदल सकती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बदल सकती है, लेवल ऑफ कंपटीशन बदल सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसी बदल सकती है, ये और ऐसे दूसरे फैक्टर बदल सकते हैं, प्राइस नहीं बदलती। तो क्या होता है, ये ओरिजिनल कर्व एसएस कर्व है, ये आप देख सकते हैं बीच वाला जो मिडिल कर्व है वो ओरिजिनल कर्व है, यहां ये कर्व था सप्लाई का। अब मान लो ये जो फैक्टर्स अदर देन प्राइस मैंने अभी गिना है उसमें कोई कंड्यूसिव पॉजिटिव फेवरेबल चेंजेस आ रहे हैं और सप्लाई इंक्रीज होता है, तो पूरा ये एसएस कर्व जो है वो शिफ्ट होके राइट हैंड साइड पूरा शिफ्ट होगा और S1 पोजीशन पर पहुंचेगा। तो ये एसएस कर्व से S1 कर्व की ओर जो मूवमेंट हुई राइट हैंड साइड, पूरा कर्व शिफ्ट होकर राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ, S1 पोजीशन पर आया, ये हम इंक्रीज इन डिमांड नाम, इंक्रीज इन सप्लाई नाम देंगे, राइट। और इसका उल्टा वो जो मैंने अभी फैक्टर्स अदर देन प्राइस गिनाए थे, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, लेवल ऑफ कंपटीशन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, गवर्नमेंट पॉलिसी है, ये और ऐसे दूसरे फैक्टर बदलने से
नेगेटिव चेंज आने से मान लो सप्लाई चेंज कम होता है, डिक्रीज होता है, श्रिंक होता है, तो ये डिक्रीज की वजह से पूरा जो एसएस का वो मिडिल पोजीशन पर था वो अपनी जगह से डिक्रीज पूरा शिफ्ट होके लेफ्ट हैंड साइड S2S2 पोजीशन पर आएगा। तो ये S2S2 पोजीशन पर पूरा मिडिल वाला का वो शिफ्ट होके आने को हम डिक्रीज इन डिमांड डिक्रीज इन सप्लाई नाम देंगे। यहां सप्लाई की बात में हो रही है इसलिए हम सब डिक्रीज इन सप्लाई नाम देंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों इंक्रीज डिक्रीज इन सप्लाई की बातें हुई, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी हुआ, ये डायग्राम को आप नीचे बढ़िया पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आप इंडिविजुअल टू आंसर्स भी डेवलप हो सकते हैं, एक्सपांशन कॉन्ट्रेक्शन ऑफ सप्लाई और इंक्रीज डिक्रीज।